नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आईपीएल मैच को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि बीसीसीआई की तरफ से मैचों के शेड्यूल को बदल दिया गया है। क्या कारण है, किस वजह से बीसीसीआई ने आईपीएल के मैचों के शेड्यूल को बदला है, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोगों को डीडी फिटनेस की और आईपीएल की अपडेट सबसे पहले हमारी वीडियो के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। आईपीएल 2024 की ट्रॉफी आप किस टीम के हाथ में देखना चाहते हैं। तो चलिए अब आईपीएल मैच के बारे में बात करते हैं जो बीसीसीआई की तरफ से शेड्यूल में बदलाव किया गया है। 17 अप्रैल के दिन कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच होना था, लेकिन बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जो मैच 17 अप्रैल को होना था, ईडन गार्डन होना था, उस मैच को 16 अप्रैल के दिन कर दिया है। और वहीं पे गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच पहले 16 अप्रैल को होना था, अहमदाबाद में होना था, लेकिन बीसीसीआई ने गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच को 17 अप्रैल के दिन कर दिया है। मैच अहमदाबाद में ही होगा, लेकिन 16 अप्रैल की जगह दिल्ली का और गुजरात टाइटंस का मैच 17 अप्रैल को अहमदाबाद में खेला जाए। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर में बीसीसीआई की तरफ से मैच के शेड्यूल को क्यों बदला गया। जो केकेआर और राजस्थान रॉयल के बीच मैच होना था 17 अप्रैल को, उसको 16 अप्रैल को क्यों किया गया। गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच पहले मैच 16 अप्रैल को होना था, बीसीसीआई की तरफ से इस मैच को 17 अप्रैल के दिन क्यों किया गया। तो आपको बता दें कि बंगाल में 19 अप्रैल से लोकसभा का चुनाव शुरू होने जा रहा है और वहीं पे 17 अप्रैल के दिन जो पहला मैच होना था कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच, 17 अप्रैल के दिन पहले मैच होना था, लेकिन आपको बता दें कि 17 अप्रैल के दिन ही रामनवमी है और बंगाल में रामनवमी का पावन पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब यहाँ पे पुलिस का कहना है कि लोकसभा में अधिकतर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और 17 अप्रैल के दिन रामनवमी भी है, तो वहां पर भी पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे कि 17 अप्रैल के दिन जो मैच होना था केकेआर वर्सेस आरआर का, उस मैच में सिक्योरिटी नहीं हो पाएगी। और यही कारण है कि 17 अप्रैल के दिन जो मैच होना था केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का, उस मैच को 16 अप्रैल के दिन कर दिया गया। और जो मैच 16 अप्रैल को होना था गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स का, उस मैच को 17 अप्रैल के दिन कर दिया गया। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।